तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ यमुनोत्री धाम के दर्शन कराने, जिसके कपाट आज ही खुल रहे हैं इस साल 2023 में। और यहाँ की मैं आपको सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं, क्या खर्चा होगा, कहाँ स्टे कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा की और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो इस वक्त हम खड़े हैं जानकी चट्टी में। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री धाम, और वो आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं उसकी। आप चाहें तो घोड़ा खच्चर भी ले सकते हैं, इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी जाता है ऊपर तक, और पालकी वगैरह भी आप ले सकते हैं। क्या उसका किराया वगैरह होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चार धाम में से कोई भी यात्रा करने से पहले आपको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। चाहे यमुनोत्री धाम जाना है, गंगोत्री धाम जाना है, केदारनाथ धाम जाना है, बद्रीनाथ धाम जाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। ये लेके लिखा है ना यहाँ पे रजिस्टर है, इनका हेल्पलाइन नंबर ये लिखा हुआ है, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये यात्री मित्र, इन चार जगहों से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने। तो इस वक्त हैं हम हनुमान चट्टी में, और यहाँ से जानकी चट्टी जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होगी वो है यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक होगा। तो चलिए अब आपको रूम दिखाते हैं यहाँ का अपना। तो ये है हमारा रूम, और हमने ये लिया था 1000 रुपये का, 5 बंदों का पड़ा था। सीज़न आने पे महंगा हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 बेड हैं, और अटैच बाथरूम भी है इसके साथ में। GMVN के भी होटल्स मिल जाएंगे हनुमान चट्टी में, टूरिस्ट रेस्ट हाउस, द टूरिस्ट पैराडाइज नाम से, कवर कार्निवल, और ये वाला होटल नीचे जाके आपको दिखेगा। ऐसे काफ़ी होटल्स आपको दिख जाएंगे GMVN के, इसकी आप बुकिंग ऑनलाइन से करवा सकते हैं। यमुनोत्री धाम आने की बात की जाए तो आप सरकारी वाहन से भी यहाँ तक आ सकते हैं, प्राइवेट वाहन से भी यहाँ तक आ सकते हैं, और शेयरिंग कैब लेके भी यहाँ तक आ सकते हैं। आपको हरिद्वार और ऋषिकेश से भी बस मिल जाएगी, और इसके अलावा देहरादून से भी यहाँ तक की बसें वगैरह चलती हैं, शेयरिंग कैब वगैरह चलती है। बात की जाए प्राइस की तो उसके 300 से 400 रुपये के एक बंदे के चार्जेस हैं यहाँ तक आने के। पार्किंग आपको मिल जाएगी जानकी चट्टी के पास, बाकी आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं आसपास। इसके अलावा पीछे भारतकोट में भी आपके पास ऑप्शन हैं। ये सारे कुल्ली मजदूर, घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी, हेतु मजदूरी के रेट्स लिखे हुए हैं। कुल्ली मजदूर 50 किलोग्राम वजन तक के, मजदूरी एक तरफ के 660 रुपये और दोनों तरफ के 1200 रुपये। घोड़ा खच्चर 80 किलोग्राम वजन तक की सवारी के 1310 रुपये के चार्जेस हैं एक तरफ के, और आना जाना 2500 रुपये। बाकी 30 जून के पश्चात 2100 रुपये आने जाने के चार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा ये कांडी के सारे चार्ज वगैरह लिखे हुए हैं, और यहाँ पे डंडी के चार्ज लिखे हुए हैं 4 व्यक्तियों वाली, और 50 किलो वजन तक के 3240 रुपये के चार्जेस हैं एक तरफ के। भारी सवारी जिनका 50 किलो से ज़्यादा वजन है उनके 4240 रुपये लगेंगे एक तरफ के 30 जून तक, और 8000 रुपये लगेंगे आने जाने के। प्रीपेड काउंटर आपको आगे मिल जाएगा। कितने के कितने? ये 50 के है, और ये वाली 30 की है, 30 रुपये की है, और ये 50 रुपये की है। तो आप यात्रा करने से पहले ये ले सकते हैं। तो हरिद्वार से जानकी चट्टी की डिस्टेंस की बात करें तो 200 किलोमीटर दूर है। दोस्तों आज कपाट खुलने का पहले ही दिन है, और देखिए कितने ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं यात्रा करने के लिए। वो देखिए फूलों की वर्षा की गई है अभी, और नीचे फूलों की वर्षा की गई है हेलीकॉप्टर से अभी। वहाँ सामने है पार्किंग एरिया जानकी चट्टी का, और इस तरफ आपको दिख जाएगी खरसाली, और खरसाली के यहीं से डोली निकलेगी। आज पहला दिन है उसकी डोली, आज पहला दिन है तो डोली यहीं से निकलेगी। आपको सारे हेलीकॉप्टर भी आपको यहीं से मिल जाएगा, और यात्रा यहाँ सामने से शुरू होगी। आपने जैसे देखा है माँ यमुना जी की डोली जा रही है सीधा ऊपर यमुनोत्री धाम तक,
साथ साथ ही चलेंगे हम डोली के पीछे, वहाँ पे जान की चट्टी और यहाँ सामने से डोली जा रही है। इधर से गुजरते हुए वहाँ सामने से यात्रा की शुरुआत होगी। घोड़े खच्चर वगैरह आपको वहाँ से मिलेंगे और उनका थोड़ा अलग रूट होता है, वहाँ से मिलेंगे। जानकी चट्टी से 800 मीटर दूर पे है और जो पैदल यात्रा है वो इस रूट से चलेगी। श्री यमुनोत्री धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस तरफ से आप देख सकते हैं ये सारा रूट है यमुनोत्री धाम यात्रा का, सारा ये वाला रूट है। साथ में आप देख सकते हैं यमुना नदी बह रही है, वहाँ सामने यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से पिघलते हुए यमुना नदी बह रही है। अभी तो बस हमने यात्रा की शुरुआत करी है, 4.5 किलोमीटर और दूं मैं। अब थोड़ी तीखी चढ़ाई शुरू हो गई है, धीरे धीरे करके पहुंच ही जाएंगे ऊपर हम। ये देखिए ये जा रही डोली। आराम से बैठ बैठ के कर सकते हैं रात तरफ। 1 किलोमीटर के बाद यहाँ प्रसाद मिल रहा है, देखिए पकौड़े और सूजी का हलवा। आगे से लगाओ ना लाइन, आगे से लगाओ, आगे से पीछे मिलेगा भी नहीं, पीछे नहीं मिलेगा। लो आगे जाओ, आगे जाओ, टेबल से पीछे कोई नहीं आएगा। चाय भी बड़ा पकौड़े देने, एक सिस्टम चल रहा है। देखिए प्रसाद खा रहे हैं, ये पकौड़े हैं प्रसाद में पकौड़े। 1.5 किलोमीटर ऊपर आके आपको दिखेगा श्री राम मंदिर, अन्न क्षेत्र सन सेवा, और यहाँ आके डोली रुकेगी, थोड़ी देर में आने वाली है।
चलो तो मेरे साथ यहाँ पे कुछ और यूट्यूबर्स भी आए हैं। तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? केपीएल एक्सप्लोर। किस चीज का चैनल है तुम्हारा? मेरा ट्रैवलिंग का चैनल है, कैंपिंग ज्यादा करता हूँ मैं। और तुम्हारा? का ट्रैवलिंग का ही है भाई, हम कैंपिंग ज्यादा करते हैं। तुम्हारा क्या चैनल का नाम? और तुम्हारा? किसन एनसीआर चैनल का नाम है और मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करता हूँ थोड़ी बहुत। चलो बहुत बढ़िया, आगे जाएं आप। इन सबके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर भी मिल जाएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर, ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, हाँ हाँ, परसों जो रात में बर्फबारी और बारिश हुई थी। अच्छा, हुई थी? अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, कम से कम 1 से 1.5 फुट बर्फबारी हुई थी। अच्छा, परसों रात की बात है। अच्छा, और पानी भी बरसा था। अच्छा, तो यहाँ पे सब जगह बर्फ थी और थोड़ी थोड़ी अभी भी आपको दिख रही है। हाँ, ये बर्फ गिरी हुई थी। मतलब हिमालय की ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, ये हिमालय की गोदी है। अच्छा, ये गर्मी का मौसम चल रहा है तो बर्फबारी यहाँ थोड़ा पिघल चुकी है बिल्कुल, ग्लेशियर सारा। और बाकी सर्दियों में ये सारा सफेदी होता है, यहाँ भी सफेदी होगी, सारा सफेद होता है। यहाँ तक 2-2 फीट की बर्फ कम से कम जमी होती है। और ये सारे ग्लेशियर पिघल के यहाँ यमुना नदी बन रही है। यमुना नदी बन। और आपका यूट्यूब भी चैनल है कोई? मेरा यूट्यूब चैनल है UP25RR भाई। मैं उत्तर प्रदेश बरेली से हूँ और मैं 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम की यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा, पद यात्रा बिल्कुल, वाह। और लगभग मुझे 1 साल का समय लगेगा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कैसा सा रूट देखे जाता है, सीधा आगे यमुनोत्री धाम तक, पहाड़ पूरा ऐसे को हुआ पड़ा। हजारों की तादाद में आज यहाँ पे आए हैं श्रद्धालु। और ये ब्रिज सा है, इस ब्रिज के ऊपर डोली है अभी। अब एक और यहाँ पे पैदल ब्रिज आ गया, वो देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ से ढके हुए। वो जा रही डोली, ये यमुना नदी। लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री धाम। हमारे सामने आगे डोली जा रही है माँ यमुना जी के। देखिए कैसे लोग आ रहे हैं ऐसे 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 करके। थोड़ा और ऊपर भी जाना अभी हमने। तो इस मंदिर के टाइमिंग्स मैं आपको बताने भूल गया था, ये मंदिर 24 घंटे नहीं खुला रहता है। ये मंदिर रात के 10 बजे बंद हो जाएगा यात्रा करने, और बाकी सुबह 6 बजे फिर दर्शन के लिए मंदिर खुलता है। जब हम वहाँ थे तो लिखा था 2.5 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री धाम। ये सारा मार्ग है इधर से चलते आते आते, अब यहाँ लिखा है 1.5 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री धाम। तो थोड़ा सा ही और बचा है, थोड़ी सी चढ़ाई है करके ऊपर पहुंचते, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ भैरव मंदिर, भैरव घाटी सिद्ध विक्रम भैरव जी के दर्शनों का आशीर्वाद के बिना यात्रा अधूरी है। जय माता की। तो हम इतना ऊपर आ गए कि बर्फ दिखनी शुरू हो गई है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ी है, थोड़ा और ऊपर जाएंगे और बर्फ दिखेगी। लिखा है यमुनोत्री 1 किलोमीटर। यमुनोत्री धाम अब यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है, वो देख सकते हैं, वो सामने है यमुनोत्री धाम। इधर से नीचे को चलते चलते वहाँ सामने यमुनोत्री धाम दिखेगा आपको। और चारों तरफ आप देख सकते हैं बर्फीले पहाड़ हैं यहाँ पे। डोली इस वक्त मेरे पीछे है, डोली थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाली है। तो हमने नीचे से यात्रा की शुरुआत करी थी 10 बजे और ठीक 12 बजे हम ऊपर आ गए, यानी 3 घंटे लगे हमें ऊपर आने के। आखिर में थोड़ा ना तीखी चढ़ाई हो जाती है। तुम्हें कितना समय लगा यहाँ पे आने में? 3 घंटे लगे। 3 घंटे लग जाते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और पोनी स्टैंड खच्चर स्टैंड यही है। और आगे आपको थोड़ा सा आगे जाके 100 मीटर दूर यमुनोत्री धाम दिख जाएगा।
150 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। यमुना नदी देखिए कैसे बहती हुई आ रही है ऊपर से ग्लेशियर से। ये देखिए बर्फ है, आप जमी हुई बर्फ। नीचे जान की चट्टी में मिल जाते हैं स्टे करने के ऑप्शन जी? कितने से स्टार्टिंग हो जाते हैं, मतलब कितने तक मिल जाता रूम? वैसे 500 रुपए से स्टार्ट है। अच्छा, ऊपर जितना मर्जी ले लो आप। 500 रुपए में एक बंदे का या दो बंदे रह सकते हैं 500 रुपए में एक दिन के लिए? एक दिन के लिए जैन की चट्टी में। हाँ जी, ठीक है। आप स्टे कर सकते हैं ऊपर? स्टे कर सकते? ऊपर स्टे का नहीं पता। अच्छा, उसका पता नहीं चला अभी, पर नीचे है स्टे का। और अपने जूते वगैरह भी यहाँ रख सकते हैं। 10 रुपए का चार्ज है, ये टोकन दे देंगे, 10 रुपए का चार्ज है। जूते रख सकते हैं मंदिर दर्शन करने से पहले। आप देखिए बर्फबारी शुरू हो गई है यहाँ पे, धूप भी खिली हुई है और बर्फबारी भी शुरू हो गई है यहाँ पे। क्या नज़ारा है देखिए, मंदिर के पास पहुँचते ही जैसे ही कपाट खोले हैं स्नोफॉल शुरू हो गई है यहाँ पे। पीछे के पहाड़ भी देखिए बर्फ़ से ढके हुए हैं, साथ में यमुना नदी है। श्री यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। पीछे देख सकते हैं ये है यमुनोत्री धाम, सुंदर तरीके से सजाया गया। यमुनोत्री धाम के पास हम खड़े हैं और थोड़ थोड़ी बर्फबारी है, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं हो, लेकिन इस तरफ सारे यहाँ पे बर्फीले पहाड़ हैं। आज कैसा लगे यात्रा, मुश्किल थी?
नहीं मुश्किल तो कुछ नहीं है, अगर मन में ठान ली है तो यात्रा आप जरूर कंप्लीट कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने करी। तुम्हें कैसा लगा भाई? बिल्कुल साथ में आए हम तो। हाँ बिल्कुल, हम सारे ही साथ में हैं और सारी की वीडियोस चार धाम यात्रा की सारी वीडियोस में हम दिखाएंगे। ये सारे यहाँ पे श्री यमुनोत्री धाम में दर्शनीय स्थल लिखे हुए माँ यमुना मंदिर है, दिव्य सलाम खारविंद है, माँ यमुना पूजा स्थल है, सूर्य कुंड प्रसाद स्थल है, सूर्य मंदिर है, द्रौपदी कुंड है, माँ यमुना जी की शीतल धारा है, हनुमान मंदिर है, गरुड़ गंगा है, धारा है, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, कालिंदी पर्वत है, माँ यमुना उद्गम स्थल 7 किलोमीटर आगे है, और यहाँ पे यमुना जी, हाँ ये यमुना जी का मंदिर है। इसे कुंड कहते हैं? सूर्य, वैसे उसका नाम है सूर्य कुंड। अच्छा, उसको पानी आ रहा है ना सूर्य कुंड का। अच्छा, तो गर्म नहाने का सोत्र बना रखा है उसी पानी से। अंदर अंदर जी, अंदर है। एक एक है या दो तीन, कितने हैं? एक कुंड है यहाँ पर है कुंड, वो उसी का पानी आ रहा है, उसी को पानी को डिवाइड कर रखा है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए नहाने के लिए। अच्छा, जो यहाँ पर कुंड है उसमें चावल, आप कच्चे चावल रख के उसका प्रसाद अपने साथ लेके जा सकते हो। ओ अच्छा अच्छा, जैसे आपको मणिकर्ण में देखा होगा, ठीक है, वो वैसे ही सिस्टम है यहाँ पर। ओ ठीक है। चावल दिए हैं, थोड़े से कच्चे चावल हैं, हमने कहा है कपड़े में बांध लेना इसको। मंदिर के बिल्कुल साथ में है महिला स्नान कुंड, वैसे नीचे बट यहाँ पे भी कुछ महिला हैं, यहाँ पे गर्म पानी है सारा, वहाँ अपने कपड़े वगैरह बदल सकते हैं। ये हनुमंत मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध पीठ प्राचीन हनुमान मंदिर। फोटोग्राफी मना है तो मैं अंदर फोन नहीं लेके जा पाऊंगा। भोजनालय है यहाँ पर,
कपिल बर्फबारी काफी तेज हो रही है कपिल काफी तेज बर्फबारी हो रही है काफी तेज हो रही है देखो ना रोहित मेरे सर पे बर्फ पड़ गई भाई तेज बर्फबारी हो रही है और लोगों की भीड़ देखिए देखिए वापसी में कितनी तेज बर्फबारी हो रही है बहुत ज्यादा लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं वापस बर्फबारी काफी तेज शुरू हो गई है यहाँ पे काफी तेज हो रही है बर्फबारी तेज बर्फबारी हो रही है देख लो ना काफी मस्त धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज बर्फबारी हो रही है फाइनली रास्ता थोड़ा खुला है दर्शन कर लिए आपने हाँ मैंने दर्शन कर कैसे दर्शन हुए अच्छे दर्शन हुए दर्शन अच्छे हुए बढ़िया क्या क्या चीजें देखी हैं आप हाँ वही कुंड एक गरम कुंड होता है हर जी जी हर धाम पे गरम कुंड है अच्छा हर धाम पे है गरम कुंड चाहे गंगोत्री हो यमुनोत्री हो केदारनाथ हो बद्रीनाथ हो या तुंगनाथ पे शायद नहीं है अच्छा और हेमकुंड साइड में भी मेरे ख्याल से गर्म कुंड है हाँ। और यात्रा ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगी क्या चीज यात्रा मुश्किल तो नहीं लगी है नहीं नहीं हमको तो मुश्किल लगना ही नहीं है हमें तो बहुत चलना है बिल्कुल चलो बढ़िया ये वैकल्पिक पैदल मार्ग भी है ये यमुनोत्री धाम का आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं पर जनरली लोग उसी रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते से हम होके आए हैं यहाँ पे देखिए कितना ऊपर से ये पानी बहता हुआ आ रहा है ऐसे ही यमुना नदी बनती है काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट होके सीधा यमुना नदी के अंदर जाता है यमुना नहीं ऐसी कई नदियाँ बनती हैं गंगा नदी बाकी इसके अलावा मैं एक और आपको बात बताने भूल गया था कि अगर आप इस यात्रा में आ रहे हैं तो हो सकता है कि जो थोड़े बड़े लोग हों उनको चलने में दिक्कत हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक महीने पहले एक एक घंटा वॉक करें पार्क में तभी थोड़ा स्टैमिना बिल्डअप होगा लेकिन चार धाम यात्रा करनी है आपने तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्टैमिना बिल्डअप करने के लिए तो हमने आपको यमुनोत्री धाम के दर्शन करा दिए मैं आपको सारी जानकारी दूंगा हर एक धाम की चार धाम के बद्रीनाथ धाम हो गया केदारनाथ धाम हो गया गंगोत्री धाम हो गया कल हम गंगोत्री धाम जाने वाले हैं इसके अलावा पूरे बजटेड ट्रिप भी मैं आपको बताऊंगा और दो धाम अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ भी करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें